वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने टाइटल देखा और पीछे आप लोगों ने देखकर समझ गए होंगे कि वीडियो का टॉपिक आज क्या है। तो आज के वीलॉग में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ यानी कि पाकिस्तान पंजाब में जो है खेती को कैसे, यानी कि गेहूँ की फसल को कैसे कटाई किया जाता है, और मैं आप लोगों को काफ़ी यानी कि एरिया दिखाने वाला हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग, ये फसल है, ये इधर अभी इसको नहीं काटा गया, तो इसको मशीनरी के ज़रिए यहाँ पर काटा जाता है। मैंने ट्रैक्टर के आगे कुछ लगा होता है रेपर सा, उसके ज़रिए इसको लाइनों में एक तरतीब से काटा जाता है। तो गाइस, ये कुछ है सब्ज घास जो कि ख़त्म हो चुकी है, यानी कि इसका सीज़न अब ख़त्म हो चुका है। गर्मी में ये जल जाती है तो इसलिए इसका सीज़न ख़त्म हो चुका है। तो मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ आप लोग, ये ऐसे यानी कि ऐसे काटा जाता है, ये ट्रैक्टर के ज़रिए काटा गया है। तो ये यानी कि लाइनों में ट्रैक्टर के ज़रिए काटा गया है रेपर के ज़रिए, और फिर उसको जो ऐसे बंडल्स बनाए जाते हैं रस्सी के ज़रिए, बंडल्स बनाए जाते हैं, फिर इन बंडल्स को इकट्ठा करके फिर एक जगह पर यानी कि जमा किया जाता है, और फिर एक थ्रेशर नामी मशीन है यानी कि मशीन के ज़रिए फिर दाने अलहदा और इनका कचरा अलहदा। कचरा भी काम आता है, इनका जो कचरा आता है वो छोटे छोटे ज़रात में यानी कि छोटा छोटा हो जाता है, फिर उसको इधर जो है वो गायों को डाला जाता है, गायों भैंसों इनको डाला जाता है सूखी घास के तौर पर। तो आगे मैं ले चलता हूँ आप लोग, ये देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे किए हुए हैं, और ये अभी यानी कि ये गेहूं की फसल रेडी हो चुकी है, इसलिए आप लोगों को सूखा सूखा नज़र आ रहा है, वरना यहाँ पे हरियाली होती है, पूरा जो है हरा भरा होता है। अभी यानी कि गेहूं की फसल को सुखाने के लिए जब इसको सुखाया जाता है तो इसको पानी नहीं दिया जाता ताकि ये सूख जाए, और फिर जब फसल रेडी हो जाती है फिर सूख जाती है, और फिर इसमें दाने जो है वो अलहदा होते हैं। अगर गीली फसल हो तो दाने कच्चे रह जाते हैं और मशीनों के ज़रिए वो टूट भी जाते हैं। तो ये भी सब्ज़ घास है, और वो कुछ सरसों पड़ा है इधर से देख सकते हैं, वो कुछ सरसों हैं, और इन सरसों को निकाल दिया गया है अब। तो मैं इधर आप लोगों को लेकर चलता हूँ, वो सामने वाली साइड पर, वहाँ पर कुछ लोग जो है वो यानी कि ये कर रहे हैं, इन बंडल्स बना रहे हैं इस गेहूं का। तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि कैसे वो बंडल्स बनाते हैं, तो वीडियो बहुत ही मस्त होने वाली है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हो, वीडियो को स्किप मत किया करो, और आप लोग जो है वो लाइक कमेंट करना अक्सर भूल जाते हो, तो वीडियो पर लाइक किया करो और वीडियो कमेंट भी किया करो। तो गाइस, मैं लेकर चलता हूँ आप लोगों को साइड। गाइस, ये जो एरिया है ये कुछ लाइनें जो आप लोगों को नज़र आ रही हैं ये वाली, तो ये वाली इसमें ना काटन की फसल, जैसे गेहूँ की फसल ख़त्म होती है तो काटन की फसल स्टार्ट हो जाती है, तो इसमें काटन की फसल लगाई जाएगी। इसमें काटन की फसल लगाई जा चुकी है, पर यानी कि एक दो दिन हुए हैं इसलिए नज़र नहीं आ रही, छोटे छोटे बीज होंगे, तो जब ये यानी कि बड़े हो जाएंगे फिर नज़र आएंगे, अभी तो बीज ही है, जब पौधा बनेगा तब नज़र आएगा। तो ये देख सकते हैं, यानी कि जितना आप लोगों को एरिया नज़र आ रहा है ना, ये जब फ्री होगा तो इसमें काटन की फसल लगाई जाती है, ये जैसे ही फ्री होगा तो फिर ये इकट्ठा करके फिर इसमें काटन की फसल लगाई जाएगी। इस समय वो नहरी निज़ाम होता है, यानी नहरों के ज़रिए पानी आता है, नहरों के ज़रिए नालों में, और नालों के ज़रिए इन ज़मीनों में। तो गाइस, ये देख सकते हैं, लेकिन जब पानी की किल्लत पड़ जाती है यानी नहरों में जब पानी कम हो जाता है, तब ना क्या होता है कि फिर ट्यूबवेल काम आता है, जो कि ये देख सकते हैं आप लोग ट्यूबवेल, इनको ट्रैक्टर के ज़रिए गेड़ा जाता है। यहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा होता है, ये देख सकते हैं आप लोग, टायरों के निशान भी कुछ ना कुछ लगे होंगे, और इसमें फिर वो शाफ्ट लगाई जाती है, फिर ये देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ से तो यहाँ से फिर इसको गेड़ा जाता है और इससे पानी आता है, और फिर इन फसलों को लगाया जाता है, यानी ये पानी के लिए ये लगाया गया, पानी ट्यूबवेल होता है पानी के लिए, यानी कि जब पानी की किल्लत हो जाए, वरना इधर इतना पानी की किल्लत होता नहीं है, पानी यानी पूरा ही होता है, पर कभी कभार हो भी जाता है। तो अब मैं आप लोग इधर ले चलता हूँ जहाँ पे बंडल्स बना रहे हैं लोग। तो गाइस, जब इन बंडल्स को, जब ये बंडल्स यानी कि कटाई होकर जब ये बंडल्स रेडी हो जाते हैं, तो इन बंडल्स को ऐसे एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है, जैसे इनको इकट्ठा किया गया है, यानी एक जगह पर सब बंडल्स को जमा किया जाता है, फिर यानी कि वो मशीन आती है, यहाँ पे लगाए या वहाँ पे, ये तो उनकी मर्ज़ी होगी जहाँ पे लगाए, क्योंकि उनकी फसल है, तो वो जहाँ पे लगाएंगे फिर वहाँ से यानी कि दाने एक साइड,
तो वो मशीनरी के ज़रिए होता है, थ्रेशर नामी मशीन है। सब्ज़ियाँ यानी कि जो खुद उगाते हैं वही खाते हैं, क्योंकि शहर वाली जो यानी कि जो सब्ज़ियाँ आप लोगों को पता ही है कैसी होती है, तो वो लोग ना अपनी ज़मीन में छोटी थोड़ी सी सब्ज़ी फल यानी कि वो उगाते हैं। जैसे कि ये आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, शलजम कुछ, ये शलजम है, और इसी के साथ ये कुछ छोटे छोटे दिख रहे हैं आप लोगों को प्याज भी उन लोगों ने अपने खाने के लिए लगा रखे हैं। तो उसमें कुछ साथ साथ ज़ीरा भी है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ज़ीरा, और ये कुछ चुकंदर टाइप है कुछ, और ये कुछ यानी कि थोम और गार्लिक, और वो है कुछ यानी सौंफ भी है, ये सौंफ है, सौंफ भी लगा रखे हैं। यानी वो लोग ना ज़्यादातर अपनी चीज़ें यानी कि खुद उगाते हैं वही खाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो कुछ हेल्दी भी होती हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है हम लोगों ने इनको क्या कुछ डाला है, इनको पानी साफ लगाया है, तो ऐसा होता है। तो गाइस आप लोगों को वो बंदा दिखाई दे रहा होगा, अकेला ही लगा पड़ा है, वो देख सकते हैं आप लोग, अकेला ही उठाता है बंडल को और वहाँ पे रख के आता है। यानी कि काम करना इतना आसान भी नहीं होता, पर काम करने से ये होता है कि उनका जो फिटनेस है वो बनी रहती है। मैं आप लोगों को करीब लेकर चलता हूँ उसके, वो जो भाई उठा रहे हैं बंडल्स को, गेहूँ के बंडल्स को उठा रहे हैं, उनकी तरफ लेकर चलता हूँ, वो लोग कैसे उठाते हैं और क्या। तो कवे काफ़ी लोग काफ़ी आ चुके हैं, वो सोच रहे होंगे भाई ये क्या उठाए फिर रहा है। तो यानी कि मेरा जो बोया का MM1 माइक ऊपर लगा हुआ है, उसकी वजह से ये कवे लोग सोच रहे होंगे शायद ये कुछ हमारा बच्चा बच्चा ना उठा के फिर रहा हो सकता है। तो भैया हम आप लोगों को ये बंडल वाला दोबारा वापसी आएगा तब आगे दिखाते हैं हम, कि ये अकेला ही भैया बंडल उठाते हैं और उधर फेंक के आते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को व्लॉग में मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा बढ़िया बन रहा है, ये देख सकते हैं आप लोगों को, जहाँ तक आप लोगों की नज़र जाएगी ना तब तक आप लोगों को गेहूँ नज़र आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो पंजाब वाली साइड है उधर यानी वो तो खेती वाला इलाका है, यानी कि उसका तो ज़्यादातर जो यानी काम जो होता है ज़्यादातर लोगों का वो खेती ही है। तो फिर ये देख सकते हैं आप लोग, हर तरफ आप लोगों को खेती ही खेती नज़र आएगी और गेहूँ ही गेहूँ, क्योंकि गेहूँ की फसल इधर ज़्यादा होती है, गन्ने के भी होते हैं पर गन्ना इतना नहीं होता जितना गेहूँ की फसल होती है। तो जब ये बंडल उठाएगा तो हम इसके पास जाएंगे, देख सकते हैं आप लोग, ये भाई यानी कि काफ़ी जो बोलते हैं फुर्तीला आदमी जो कि अकेला काम करना पसंद करता वो होंगे, ताकि देख सकते हैं आप लोग ये अब अकेला ही बंडल को उठाएगा, वो जा रहा है अकेला ही बंडल को उठाएगा, और बंडल को भैया आप देख रहे होंगे बंडल को उठा ले भैया, उठा ले। काफ़ी यानी कि दूरी वाले बंडल वो उठा रहा है, ताकि करीब वाले बाद में थक भी जाऊं तो उठा सकता हूं, दूर वाले उठा लूं। तो अब सीधा जा रहा है, जो लास्ट में बंडल है वो उठाना चाहता है। देख लिए, उठा लिया, अब ये यहाँ से ही जाएगा। तो हम इधर से आप लोगों को दिखाएंगे, और वो इसने अभी तक जो बंडल इकट्ठे किए हैं वो है, मैं उधर भी आप लोगों को लेकर चलता हूँ। तो यानी कि मेहनत करना भाई साहब बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जो लोग बैठकर खाना पसंद करते हैं उन लोगों का तो अच्छा जा रहा है, लेकिन जो इस तरह से मेहनत कर रहे हैं ना उनको पता चल रहा है भाई क्या होता है, क्योंकि इधर जो गर्मी है वो 45 से प्लस पड़ती है, 45 या इतना प्लस होता है, यानी कि माइनस में नहीं जाता। तो फिर आप लोगों को पता है गर्मी तो गर्मी होती है, जब 30 से टेम्परेचर ऊपर चला जाए फिर भी हमें गर्मी लगने लग पड़ती है, इधर तो 40 से ऊपर, और उसमें काम करना तो वो तो फिर आप लोगों को पता ही होगा क्या कुछ होता है उनके साथ। ये अभी तक उस भाई ने इकट्ठे किए हैं ये वाले काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा, और वो उठाए आ रहा है, तो हम वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। ये आ जा भैया, ये देख सकते हैं, तो ये अभी तक उसने उठाया कि अब यहाँ पे डालेगा और फिर वापसी से जाएगा दूसरा उठा के आएगा, ऐसा प्रोसेस दिन सारा चलेगा। तो तब तक के लिए
मैं अब आप लोगों को बंडल्स बनते हुए दिखाऊंगा। तो आप लोग देख सकते हो ये भाई बंडल्स बना रहे हैं। तो मैं कैमरा ऐसे करता हूँ, बना भैया बंडल। काफ़ी आप लोगों को दिखने में आसान लग रहा होगा, करने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो गेहूं है ना, इसके ऊपर ये जो चीज़ें लगी हुई हैं, ये चीज़ें ये खा जाती हैं जिसम को, यानी कि तो भैया ये काम कर करके इनके हाथ तो काफ़ी तगड़े हो चुके होंगे, इन लोगों का फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कोई नया काम करेगा तो उसको गर्मी होगी, उसको पता चलेगा भाई क्या हो रहा है। तो धूप में काम करना तो काफ़ी यानी कि बंदे को हिला देता है। इधर तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, 45+, तो आप लोगों को पता है गर्मी में काम करना तो फिर तो भाई देख सकते हैं आप लोग कितना मेहनत का काम होता है, इकट्ठा करना, फिर उसको बांधना बंडल में, और फिर उसको उठा के इधर फेंकना, और फिर उसके बाद जब मशीन के ज़रिए निकाला जाता है तब भी मज़दूर का ही यानी कि वो पसीना बहाया जाता है, तब भी वही जलील होता है। उसको उनमें यानी डालना, यानी कि उसमें थैले में डालना, फिर जाके सेल करके आना मंडी में, फिर जाके हम लोगों को क्या है, पैसे देने, खाना है, और उन लोगों की इतनी मेहनत लगी होती है। तो गाइस ये सब आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं भैया, वीडियो को अंत तक देखना चाहिए आप लोगों को, और हमें सपोर्ट करिए।